नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि काले रंग के व्यक्ति अपनी त्वचा को गोरा करने के लिए पार्लर और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, जो गोरा करने के बजाय काला करने का कार्य करते हैं। सच माने तो अपने रंग को निखारने के लिए हम घरेलू प्रयोगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे घर और रसोई में ऐसे कई उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपनी रंगत में फर्क ला सकती हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या में इस तरह के उपायों का प्रयोग करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कम समय में काले से गोरी त्वचा पा सकते हैं। तो जानते हैं काले से गोरा होने के घरेलू उपाय के बारे में। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जो उपाय की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको फेयर लवली की जरूरत होगी। ये आपके घर में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे के सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे काले निशान हैं सारे हट जाएंगे और आपका चेहरा काफ़ी गोरा चमकता दिखेगा। आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ताज़ा आंवले चाहिए। ताज़ा आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे मिक्सर की सहायता से बिना पानी डाल के पीस लें। फिर इसे छलनी की मदद से छानकर इसका रस निकाल लें, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका रस पहले से निकाल कर तैयार रखा हुआ है। इस तरीके से इसका रस निकल के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक खाली कटोरी में एक चम्मच के बराबर फेयर लवली क्रीम लेनी है। इस तरीके से दोस्तों एक चम्मच फेयर लवली क्रीम लेकर अब आपको इसमें लेना होगा दोस्तों एक चम्मच आंवला का रस। दोस्तों, आंवला के रस में मौजूद औषधीय गुणों के कारण यह कई तरह की स्किन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर आप भी अपनी स्किन समस्याओं को नेचुरली मात देना चाहती हैं, तो आंवला की मदद से बनने वाले इस फेस पैक का सहारा लीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। स्किन को लाइटन व ब्राइटन करना चाहती हैं तो आंवला आपकी पूरी मदद करेगा। इसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी क्रीम फटी फटी सी नजर आने लगी है। आपको इसे लगातार चलाते रहना है जिससे ही आपकी क्रीम अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आपको इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, ये आपकी अब अच्छे से दिखने लगी है। अब आपको ये फटी फटी नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब इसे लगाने का तरीका है वो ये है। आपको सबसे पहले अपने चेहरे को साला पानी से धोकर साफ कर लेना है और उसे पोंछ के सुखा लेना है। उसके बाद में आपको इस क्रीम को उंगलियों की मदद से इस तरीके से लेना है और अपने चेहरे पर जगह जगह इस तरीके से आपको लगा लेना है। दोस्तों, इस तरीके से लगाकर जिस तरीके से आप मसाज करते हैं ठीक उसी तरीके से गोल गोल इस तरीके से इस क्रीम की आपको अपने चेहरे पर मसाज करनी है, जिससे कि ये आपके स्किन के अंदर तक जाकर एब्जॉर्ब हो जाए और ये आपके स्किन के अंदर छुपे बैक्टीरिया को बाहर निकालने में आपकी मदद करे। इस तरीके से मसाज करने से आपके चेहरे के अंदर तक जाकर ये आपके चेहरे को गोरा चमकदार बनाएगा, आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव करेगा। तो इस तरीके से आपको 5 मिनट तक इसकी मसाज करके फिर आपको इसे इसी तरीके से लगा हुआ छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आपको एक गीले टावल से अपने चेहरे को पोंछ कर साफ कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को मात्र एक बार करने से ही आपका चेहरा काफी गोरा चमकदार दिखने लगेगा। आप इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।